आने वाले हफ्ते में इंडिया एक इंटरनेशनल प्रेस्टिजियस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है। क्या आपको पता है इस इवेंट के बारे में? ओहो, मैं आईपीएल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड की, जहाँ इंडिया को 6 हाई स्कूल स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये इवेंट रशिया में होने वाला है। आज का पजल एक 2015 की मूवी X+Y से लिया गया है, जो इस कॉम्पिटिशन पे आधारित है। 20 random cards are placed in a row, all face down. The move consists of turning a face down card face up and turning over the card immediately to the right. Show that no matter what the choice of cards to turn, this sequence of moves must terminate. Nathan, hiding in the back won't help you. Would you like to come up and show us? यहाँ टीचर का ये कहना है कि आपके पास 20 कार्ड हैं, सारे फेस डाउन। सीरीज का रूल ये है कि किसी भी एक फेस डाउन कार्ड को फ्लिप करो, और पहला फ्लिप हमेशा फेस डाउन कार्ड का ही होना चाहिए। हाँ, फिर उसके इमीडिएट राइट कार्ड को भी फ्लिप करो, पर ये किसी भी साइड का हो सकता है, यानी फेस अप या फेस डाउन। यहाँ प्रूफ ये करना है कि ये सीरीज ऑफ फ्लिप्स सिर्फ फाइनाइट बार ही हो सकते हैं। मतलब ये कि एक टाइम आएगा जब आप ये दोनों कंटिन्यूस फ्लिप नहीं कर पाएंगे। आइए देखते हैं कि इस मूवी के हीरो ने कैसे सॉल्व किया इसको। इन कार्ड्स के स्टेट को बाइनरी में समझते हैं। पहले फेस डाउन कार्ड मतलब 1 और फेस अप मतलब 0। तो अब इनिशियल स्टेटस इन 20 कार्ड का हुआ 1। कुछ मूव्स के बाद ये रैंडमली 1s और 0s होंगे। तो गेम के रूल्स का सेकेंड स्टेप जो है, उसे अब हम सिर्फ 2 टाइप ऑफ सेट्स पे कर सकते हैं, 1-1 या 1-0, क्योंकि रूल 1 स्टेट्स कि पहला फ्लिप हमेशा 1 होना चाहिए। अब 1-1 पे जब ऑपरेशन करेंगे तो 1 बिकम्स 0 और दूसरा फ्लिप भी 0 बनेगा, तो एंड रिजल्ट होगा 0-0 एंड 1-1 इज ग्रेटर देन 0-0। सिमिलरली 1-0 पे जब ऑपरेशन करेंगे तो पहला फ्लिप से 1 बनेगा 0 और दूसरे फ्लिप से 0 बनेगा 1 एंड 1-0 इज ग्रेटर देन 0-1। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों केसेस में बाइनरी वैल्यू कम हो रही है, और क्योंकि हम नेगेटिव वैल्यूज तक जा नहीं सकते, तो एक स्टेज ऐसी आएगी यहाँ जब सीरीज ख़त्म हो जाएगी, विच प्रूव्स कि नंबर ऑफ मूव्स फाइनाइट ही होंगे इस सीरीज में। अब बात करते हैं आईएमओ के बारे में। यहाँ हर कंट्री को 6 हाई स्कूल बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं, और वो 2 दिन में 6 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। फाइनल मार्क्स के हिसाब से उन्हें गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। 2019 में इंडिया 15th रैंक पे था, और आज तक इंडिया कभी ये कॉम्पिटिशन नहीं जीता है। लेट्स होप कि 2020 में हम बेहतर परफॉर्म करेंगे। और अगर आपको आईएमओ के बारे में और जानकारी चाहिए तो मैथ्स फॉर ऑल चैनल पे एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, क्योंकि हम बेहतर तो कल बेहतर।